दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए इस टीम को विजेता बताया है और कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कहा है, दिग्गजों ने किस टीम को बताया है सेमीफाइनल का विनर, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, क्योंकि ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 8 के सभी मैच वर्ल्ड कप में खेले जा चुके हैं और अब सभी फैंस को इंतजार है, तो वो है सेमीफाइनल के मुकाबलों का, जहां पहला सेमीफाइनल इस बार अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला जाएगा। जहां अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल खेल रही है, वही दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है जो भारत और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा और ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, ये उम्मीद सबको है, क्योंकि जब भी ये दोनों टीम आमने सामने आती है तो मुकाबला तो रोमांचक हो ही जाता है। खास तौर पर भारत इस बार इंग्लैंड से अपना पुराना हिसाब पूरा करना चाहेगा, क्योंकि 2022 में इसी इंग्लैंड की टीम ने भारत को सेमीफाइनल में हराया था और भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया था। लेकिन अब भारत 2022 का हिसाब किताब पूरा करके अपनी जगह फाइनल में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां बता दिया जाए, वर्ल्ड कप के दोनों ही मुकाबले हैं जो 27 जून को खेले जाने हैं। भारतीय समय के अनुसार पहला सेमीफाइनल सुबह 6 बजे खेला जाएगा, वही दूसरा सेमीफाइनल रात को 8 बजे से शुरू होगा। लेकिन भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले दुनिया भर के दिग्गजों ने अपनी भविष्यवाणी की है और इस मैच का विनर बताया है। सबसे पहले सोहेब अखर ने बात करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले तो काफी एक्साइटेड हूँ भारत और इंग्लैंड के मैच को लेकर। मुझे लगता है कि भारत की टीम ही ये सेमीफाइनल मैच जीतेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से भारत इंग्लैंड से स्ट्रॉन्ग टीम है और उसने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा क्रिकेट भी खेला है और वो फाइनल में जाना पूरी तरह से डिजर्व करती है। जिसके बाद में गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत का इंग्लैंड के साथ में कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट में उस तरह का क्रिकेट नहीं खेला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके सामने अभी तक कोई बड़ी टीम भी नहीं आई, साउथ अफ्रीका ने भी उनको हराया था। वहीं दूसरी ओर भारत है जो पूरी तरह से फॉर्म में है और हर डिपार्टमेंट में अच्छी है, गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक भारत की काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे में भारत इस मैच को जीतने की प्रबल दावेदार है। फिर उसके बाद में इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड भारत को हरा देगी, क्योंकि आप हर बड़ा टूर्नामेंट उठाकर देख लो, भारत हर टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के मैच में अच्छा खेलती है और जब नॉकआउट मैच या बड़ा मैच आता है तो हार जाती है। इस बार भी यही होने वाला है, क्योंकि हमारी इंग्लैंड की टीम ने भारत के मैच के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली और मैं यही चाहूंगा कि इंग्लैंड ही ये मैच जीते। जिसके बाद में रिकी पोंटिंग ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के मैच को लेकर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही काफी मजबूत टीम है, दोनों टीमों के पता है कि कैसे बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी मैच में ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। पीछे आपने कैसा खेल खेला ये मायने नहीं रखता, क्योंकि नॉकआउट मैच का प्रेशर ही अलग होता है। तो दोस्तों, दिग्गजों ने तो लगभग टीम इंडिया को ही सेमीफाइनल का विजेता बताया है, लेकिन आपको क्या लगता है, भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।